Hello guys. Hello. Hello guys and welcome to another episode of Fast and Curious by Creator 21. I am Arshia Khullar and I'm going to be hosting this episode once again. And today we have Addy joining us from Damn Fam, and he's going to be here answering the most Googled questions about him. Like I say every episode, this is going to be an exciting one as well. Also, remember that you could be the lucky person that gets picked to ask Addy a question at the end. So keep your questions ready and stay ready. And stay ready so you can ask Addy on camera. You could be the lucky one. So don't forget to send in your requests at the end of the live. I'm going to be adding Addy right now and explaining the rules to him. Let's get Addy on. Hello. मैं बहुत रिवील रिवील टाइम बाद क्लीन शेव्ड हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा 15 ईयर ओल्ड वाली फील आ रही है, बट इट्स ओके, फील्स ओके. फिर किसी ने लिख भी दिया है बेबी सच में यार, मैं मानोगे नहीं, मैं 5 6 साल बाद रेजर से पहली मतलब मैंने करा है, समझ रहे हो. पहले मैं शेव करा रहता था जब नया नया आती थी तब स्कूल के ये लिए, कहाँ से आई आपको बट इंस्पिरेशन कहाँ से आई है शेव करने की? मन था यार, मन में था. मैं उस दिन गया था, मैंने कहा कि कुछ अलग सा करते हैं, तो मैंने बाल वाल कलर तो बहुत अलग अलग करा लिए, एक बार क्लीन शेव होके देखता हूँ कैसा लग रहा है. तो कुछ हुआ नहीं, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर हंस के वापस आ गया. फिर यार कोई फिल्टर नहीं लगा पा नहीं रहा मैं अच्छा लग रहा एक. है. आई डोंट थिंक आई थिंक अच्छा लग रहा है. आई डोंट आई थिंक व्हाट डू यू गाइस थिंक, पूछते हैं लोगों से. आपको गाइस एडी बताओ अंडी यार को लोग कैसा लग कैसा रहा लग है. रहा है? क्यूटू लिख रहे हैं लोगों को. देखा मतलब कुछ भी कर लो क्यूटू हो आप. ओके यूट्यूब तो सही है, ठीक है, क्या ही है, कुछ भी. मैं मतलब मेरे को ये बढ़िया लग रहा है, सच बताऊँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज. हाँ मतलब वही मैं कह रही हूँ अच्छा लग रहा है एकदम. यस ऐसे डैपर क्लीन लुक है एकदम. मेरे को ना बहुत सारी चीजें अपनी शक्ल के बारे में भूल गया था, वो दिख रही है काफी टाइम बाद. अच्छा ओके आदि वेलकम टू फास्ट एंड क्यूरियस. कृणाल भैया थैंक कह रहे यू. हैं व्हेन इज एडी जॉइनिंग द लाइव. मैं आपका हाँ जोक समझ गया हूँ, आपका जोक समझ गया हूँ. अभी अभी एडी का छोटा भाई आया है. आदि का छोटा भाई लग रहा है. ओके यस, आदि तो यू आर आपको सेइंग हमारा दैट हैम्पर मिल गया जो छोटा सा हैम्पर दिया था हमने. पढ़ा है मेरे साइड में. ओके मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. करना क्या है कुछ नहीं. देर आर टू शीट्स ऑफ क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस है टोटल में. आपको वो सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं ऑनेस्टली. ठीक और है, अगर आपको क्वेश्चन स्किप करना है आप एक ही क्वेश्चन स्किप कर सकते हो. अगर आपको स्किप करना है तो मैं नहीं आपको करूंगा डैम स्किप, फैम में से किसी का सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा. मैं स्किप ही नहीं करूंगा एक भी. सब आके यही संगीत ने भी आके यही बोला था मैं स्किप ही नहीं करूंगा. देखते चलो ओके हैं. मेरा लेट्स कुछ है ट्राई. नहीं छुपाने के लिए. हाँ डन. चलो आप रेडबुल. मेरे पास अनफॉर्चुनेटली रेडबुल नहीं है तो मैं रेडबुल चेयर्स मेरी लेके थोड़ी आपके. ठंडी हो रही है, तो मैं अभी थोड़ी देर में लेके उसको बोलता हूँ लेके आने के लिए. ठीक है डन. ओके चालू यस करें. आई एम रेडी. कोई भी शीट उठा लो और फर्स्ट क्वेश्चन पील करके पढ़ दो. ओके, थोड़ा अच्छे से उन्होंने लगाया हुआ है टेप. चीटिंग नहीं करनी चाहिए ना लाइव से पहले. ओके इजी. इजी. एक सेकेंड, ये कुछ हाँ अब हो गया ना. तो हाँ द क्वेश्चन इज विच इफ सॉरी इफ मुंबई एंड दिल्ली वर इन द फाइनल्स ऑफ आईपीएल, तो विच टीम आई विल सपोर्ट. ओके, ये तो आंसर. तो बहुत इजी है, दिल्ली सपोर्ट करूंगा मैं, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है. मेरे को दिल्ली की टीम पे अच्छा थोड़ी दया भी आती है, क्योंकि वो कभी नहीं जीत पाई है, तो ये मेरा थोड़ी इस वजह से सपोर्ट करूंगा. एंड उसके अलावा आई थिंक क्योंकि दिल्ली से हूँ, ठीक है, ऐसा
बनता है, दिल्ली से हो तो बनता है दिल्ली को सपोर्ट करना। बस आई ऐसा। थिंक मैं भी दिल्ली को ही सपोर्ट करती हूँ, अभी दिल्ली फैन फॉर एवर। तो अगला मतलब काफी फटफट कर काफी रहे हैं, फटफट आसान, कर रहे हैं हम। काफी इजी क्वेश्चन था ये। हाँ तो बहुत इजी था ये, तो ऑब्वियस था इसका आंसर। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। यस वन सेकेंड। हाउ डिड एडी बिकम अ कंटेंट क्रिएटर? ओके, तो मेरे को मतलब एग्जैक्टली तो यही बोलूंगा कि मानव एंड अर्श फॉर द रीजन, ऐसा मेरे को ऐसा पुश करने के लिए वो लास्ट एज से नीचे इस तरफ आने के लिए। एंड उसके अलावा अगर बाकी जैसे इन द प्रोसेस में कैसे बनता गया वो भी आसपास के लोगों को देख के, एंड थोड़ा कैमरा का जो मेरा वो था शायनेस वो थोड़ी अपने आप खत्म होने लगी, तो मेरे को भी मन करने लगा बनाने का। तो एक मतलब सेल्फ डिस्कवरी वाली थोड़ी सी वैसा है कि अपने आप को थोड़ा और जैसे जैसे मैं करता रहा तो मेरा फिर मन कर गया, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ उस वजह से ही मैं जो हूँ वैसा, तो वैसा है। बट अगर देखा जाए तो किसने पुश करा था मेरे को, तो वो तो फिर अर्श और मानव ही थे, जो जब हम साथ में रहने के लिए आए थे फिर पहली बार, तब उन्होंने ही मुझे काफी बोला था कि भाई ये कर ले, करना चाहिए, वैसा हम भी कर रहे हैं वैसा वैसा पर वैसा, आपने तो फिर कभी मैंने सोचा कभी था कि आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे? नहीं कभी नहीं। मेरे को याद है कॉलेज में ऋषभ एक दो म्यूजिकली बनाता था, ऐसी एक दो बनाई होगी उसने फन फन में, तो कहता आ हाँ ये करते हैं, और मैंने करा उसके साथ, तो मेरे को मजा तो आया था, बट ऐसा मैं सोच हाँ नहीं था कि मैं वैसा बनाऊंगा ऐसा। करूंगा। और जब डब स्मैश आया था एक बहुत पहले, तो हाँ मैं एक दो बनाई है उसमें, तो ऐसा बहुत फनी लगती थी देखनी मैं तो। वो मैंने कहीं अपलोड नहीं करी पड़ेगी अब शायद, तो, वो मैंने देखनी है तो अपलोड नहीं करी देखनी है, वो है। मेरे पास होगी कहीं पे, मैंने अपलोड नहीं करा, ऐसे बना के फन फन में बना दी थी छोड़ दी, ऐसी रखी हुई है बस। वैसा। हाँ, गौतम ने छोटे भाई के साथ बनाई थी ऐसी, मुझे याद है भी। वो कुछ कोई वो था हेरा फेरी का डायलॉग था ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा वाह। अच्छा हाँ अच्छा ऐसा वो कुछ था डब स्मैश में काफी तो। डायलॉग्स होते हैं मोस्टली। हाँ 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 वही था एक। सही, वेरी कूल। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यस, अरे डैम फॉर्म दिख गया मुझे पहले वर्ड में, एक सेकेंड। विच डैम फॉर्म बॉय इज एडीज, बाकी का पढ़ रहा हूँ मैं, दिख नहीं रहा मुझे अभी, उसको भी हटा। फेवरेट रूममेट? ओके, आई हैव टू यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं सबके साथ ही हुआ हूँ, मेरे को सब सब बढ़िया है यार, मतलब सबकी अपनी अलग वाइब है। बट फिर भी फेवरेट अगर चूज करना हो तो किसको चूज करोगे अपना मैं रूममेट? कंफ्यूज हूँ मैं दो लोगों में, कौन है दो? कोई गेस करे ना कमेंट में। चलो गेस करके बताओ कौन है दो जिनमें मेरे को तो एडी कमेंट कंफ्यूज है। मेरे को कमेंट सेक्शन दिख ही नहीं रहा यार, ऐसा कुछ तो ग्लिच होगा मैं मेरे बता रही को। हूँ आंसर्स, बता रही हूँ आपको। तंजील, अर्श फैम, मेरे को ये ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में से एक हाँ अर्श और आ रहे हैं शंकु और आ रहे हैं और मैं बता देता हूँ कितनी कुछ सस्पेंस में। अर्शन रिशु। मेरा हाँ मतलब मैं ऋषु के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक ऐसा रूममेट रहा हूँ, ऋषभ का भी इन लोगों के आने से पहले, पर उसके बाद पूरा टाइम हाँ अर्श के साथ, अर्श का ही है, पर ट्रिप्स ट्रिप्स पे मेरा रूममेट तंजील होता था ऐसा। तो बहुत सारी चीजें हैं मतलब सारे अगर हम मिक्स्ड देखें तो, बट मेरा आंसर अर्श ही होगा, क्योंकि अर्श और मेरा क्या है कि बिना बोले समझ जाते हैं, तो वो हमारे में वो ट्यूनिंग है, मतलब समझ रहे हो, उससे मेरा हाँ अर्श ही मेरा फेवरेट रूममेट अर्श ही होगा। हाँ अभी भी तो परमानेंटली भी अर्शी है रूममेट। हाँ वही, तभी तो इसलिए मेरा अर्शी है, क्योंकि हमारा थोड़ा ऐसा कंफर्ट है कंफर्ट अंडरस्टैंडिंग, लेवल, कंफर्ट कंफर्ट लेवल। भी है ऐसा है, अगर उसको लात भी मार दूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हट बैठ से तो वो भी मुझे मार दे तो भी ऐसा, तो वो थोड़ा है ये देखो कपड़े पहन हेलो रहे हो अर्शफ, पीछे आगे पीछे चल रहे हो। ओके वेरी नाइस यस। आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज एडी इन स्कूल एंड कॉलेज? यार मैं अपने बारे में कैसे बता सकता हूँ कि मैं स्कूल और कॉलेज में कैसा था, बट ये है कि मैं जैसा अभी हूँ मैं थोड़ा बहुत वैसा ही था, मतलब ऐसा स्कूल ज्यादा और बदमाश थे, कम बदमाश, नहीं, बदमाश तो बहुत ज्यादा था मैं ऐसा, वो तो उसका तो मैं कुछ थोड़ा बोल ही कुछ नहीं सकता कुछ कोई इंसिडेंट रिलेट कर दो, कुछ भी, कुछ छोटा मोटा जो यार। किया हो। बच्चे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, अपने स्कूल में कर दिया ना सेम चीज, जाके बोल देंगे एडी ने बताया था कि उसने भी करा हम भी कर देते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, तो मैं मतलब नहीं हैडी ने बोलूंगा। काफी काफी कुछ नौटंकी मैं तो करी। बहुत बार सस्पेंड हुआ हूँ, मैं तो कोई सीन ही नहीं है, तो बहुत बार सस्पेंड हो जाता है यार हफ्ते हफ्ते के लिए, ये तो बेस और नॉर्मली था, मतलब इतना वो उस टाइम पे लगता था ना फन है,
हंसी मजाक करते हैं, दोस्त दोस्त होते हैं सारे, कोई बोल दे ये करके दिखा, करना ही पड़ता है, और फिर कर देते हैं तो फिर बाहर हो जाते हैं स्कूल से। फिर उनको क्या बोले कि मेरे को दोस्त ने बोला था करके दिखाने के लिए, वो तो और मारेंगे वैसा। कोई कोई यहाँ बोल रहा है, आई गेस एडी वॉज रोमियो बॉय इन स्कूल. पुरानी बातें हैं यार, तब मैं थोड़ा ऐसे ही है बस। सही, मतलब मेरी कोई भी मतलब नहीं है, सब आई लिख एम रहे हैं, वेरी कोई हैप्पी भी नहीं के है. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई है। मतलब ऐसा है कि मैं वो टाइम पूरी लाइफ चेरिश कर सकता हूँ, इतना मतलब ऐसा है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वैसा दोनों दोनों जगह बहुत अच्छे सही. दोस्त मिले हैं मेरे को, बहुत अच्छे लोग मिले हैं उस टाइम पे, और फिर कॉलेज में भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं, दोस्त मिले हैं वैसा। तो मैं कभी कोई मुझसे भी पूछे ना कि कंपेयर करो, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कि दोनों का अपना अलग अलग मजा है वैसा। तो बट अभी की लाइफ बेटर है कि उस टाइम की लाइफ बेटर थी? लाइफ तो अभी की बेटर है, पूरा जो हो गया वो हो गया, उसमें अब इससे बेटर बनाना, यही तो लाइफ है पूरी। लाइफ तो सही है, गुड प्रेजेंट, आंसर, प्रेजेंट से अच्छा कुछ है ही नहीं लाइफ में, अभी का है जो बेस्ट है वैसा। अगर अभी सही तुम बात यहाँ पे है, इस मोमेंट पे हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो सही वो बात है, तुम्हारे ट्रू ऊपर है दैट, कि ट्रू तुम उसको दैट. कैसा बनाओ वैसा। हाँ तो और वो मेरे लिए वो सारे तो है, वो एक्सपीरियंसेस है, मतलब स्कूल और कॉलेजेस के सारे तो एक्सपीरियंसेस. हाँ वो तो है ही। मतलब जो चीज चली गई वो मतलब तुम्हारा ऐसा मेमोरी में होना चाहिए कि हाँ यार वो अच्छे दिन थे, पर ये तो ना बोल सकता हूँ कि वहां जा रहा हूँ उस वो दिन में ही चला जाता हूँ, अभी तो बेकार है। हम अभी सही यहाँ बात पे है, है तो क्या ही, अभी वो सीन है, तो यही बेस्ट है अभी। तो बेस्ट है, जिस जिधर हो उधर एंजॉय करो. हाँ और क्या। ओके, नेक्स्ट वाला. Which created as I think is overrated? Well, मतलब मेरे को कोई डर नहीं है बोलने में, बट मेरे को लगता नहीं कोई किसी को बोलना फेयर रहेगा ये। मतलब मैं वैसे इसलिए नहीं बोलूंगा वैसा सब इजीली। लोग ने यही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का. मैं तो सच में जो मन में आंसर है वही बता रहा हूँ कि मैं किसी को कैसे बोल सकता हूँ, मेरा कोई राइट ही नहीं है बोलने का। मेरा क्या किसी का किसी किसी को कुछ ये बोलने का राइट नहीं है। वो जो एक्स वाई जी जो भी जहाँ पे भी है, वो अपनी किसी तो चीज की वजह से वहां पे, तभी तो क्रिएटर है उसके आगे, नाम के आगे वैसा। तो मैं उसी ओके ठीक है, कम्युनिटी अब में मैं बैठ क्या के करती हूँ उसी ना, बंदे को ओवररेटेड तो नहीं बोल सकता मैं, मैं क्या सेंस ही नहीं करने वाली बनेगा हूँ, ना। मैं ऑडियंस से पूछने वाली हूँ, अगर वो इस आंसर के साथ खुश है तो हम मूव ऑन करेंगे, अगर वो इस नहीं बारे है. में एक तो कुछ तो हाँ ग्लिच है, इस... मेरे लास्ट लास्ट कमेंट कृणाल भैया का ही दिख रहा है जो स्टार्टिंग में आया था, उसके बाद कुछ ही दिख ही नहीं रहा है मेरे को, ना ऊपर हो रहा है नीचे ऐसा। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, बट मैं आपको हाँ ये बता रही हूँ कि मैं अभी ऑडियंस से पूछने वाली हूँ कि ये आंसर से ये लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं. ठीक अगर है, नहीं है तो आपको सीक्रेट बताना पड़ेगा किसी को. आप मेरे को सच बताना, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी लाइव के बाद, ठीक अच्छा है? ठीक है, देख लो आ गया है आंसर, मेरे नहीं है पास हम, नो ये इनको तो चाहिए मसाला मिर्ची यार, ये तो चाहते ही है। नो नो नो, नॉट हैप्पी. एक यस भी आया, एक यस भी आया. क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो क्या पता मैं नो वालों को यस में करवा दूं, बदल दूं उनकी चीज। अभी लोग बोल रहे हैं वांट द नेम, कोई कोई नाम ही नहीं है, मैं किसी को मैं मानता ही नहीं, मैं अपने आप को मान लेता हूँ यार, और क्या तो बोलूं। चलो कोई नहीं, सीक्रेट बताना पड़ेगा, कुछ तो सीक्रेट बताना पड़ेगा. कुछ सीक्रेट बताना पड़ेगा, हाँ सीक्रेट नहीं है मतलब सीक्रेट ऐसा है सीक्रेट होना कि चाहिए, ऐसे नहीं कि जो ऐसा सबको मालूम है वो ही बता नहीं, दिया. मैं और किसी के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, अपने बारे में बता देता हूँ। हाँ चलो बता, तो अपने बारे में भी चलेगा. मतलब सीक्रेट क्या, हाँ मतलब ऐसा है कि एक चीज है जिसके बिना मैं सो नहीं पाता हूँ, बहुत मुश्किल होती है मेरे को वैसा। अब तो अब कौन मेरे को जब से सी मुंबई कौन आया हूँ, सी एक एक ना ऐसा वो है, एक कैसे समझाऊँ, मतलब एक बेडशीट टाइप से बट छोटी है, मतलब इन द सेंस हाफ बेड जितनी होगी वैसा। तो मेरे हाँ को बचपन से ना उसको पकड़ के सोने की आदत है, वो मेरी यहाँ रहती है वैसा, मैं सो ही नहीं पाता था उसके बिना। तो बस जब से मुंबई आया तब से तो मैंने फिर लेके आया था, बट फिर यहाँ पे आके तो फिर क्या होश कैसे सो रहा है, कब सो रहे हैं वैसा। तो यहाँ पे नहीं, बट वो मेरा ऐसा था कि वो बच मेरे को मम्मी बताती थी कि वो ऐसी फट रही है हर जगह से। मतलब वो बचपन पे जो ऐसा था, इतनी पुरानी, बच्चे को फर्स्ट चीज दे देते बचपन में ऐसे पकड़ने के लिए, ऐसा करने के लिए, या फिर कुछ। उस टाइम तो मेरे लिए इतनी बड़ी थी वो, मैं तो इतना सता वैसा, सभी इतने होते हैं क्या बोल रहा हूँ यार। हाँ ठीक है, अच्छा तो नहीं.
वो मेरे पास है, वो मेरे को ऐसा कभी कभी जब मुझे नींद नहीं आती है अजीब सा लगता है, तो मेरे को वो चाहिए होती है, मेरे सर के ऊपर हो या सर के नीचे हो या फिर मेरे हाथ में हो ऐसा, तो वो ये सीक्रेट है यार, मैंने मतलब बहुत एक कम लोगों को बताया कंफर्ट है। वो ही है, वो हाँ टच से कंफर्ट मिल गया जैसे उसको। बच्चे अंगूठा चूसते हुए सोते थे ना, तो मैं तो एक हाथ से अंगूठा एक हाथ में वो चद्दर रहती थी मेरे, मैं ऐसे सोता था, मेरे को मम्मी ऐसे ही बताती है, तो क्यूट वो यार सीन है। एडी क्यूट, लोगों को देखना है वो, अभी कहाँ ढूंढ के लाएगा वो। हाँ मैंने अब वो तो कहीं और, मैं अपने दे दूंगा किसी को अपने फ्यूचर में, मैं तो फैन अब को उसको किसी को नहीं मिल था, सकती है। अब मैंने फैन को नहीं दूंगा, वो मेरे सोने की, मैं अपने बच्चों को दूंगा यार, फैन मैन को नहीं दूंगा मेरे को। बच्चों हाँ और क्या, को ओके वेरी नाइस, अच्छा आंसर था, अच्छा सीक्रेट बताया आपने, क्यूट सीक्रेट। चलो नेक्स्ट। अब ये पेज खोलूं? अरे हाँ नेक्स्ट पेज, यार बहुत एक अच्छा सीक्रेट बोला एडी भैया, यार सेकंड, देखो खुश हो गए लोग। थैंक्स यार गाइस, सच बोला था मैंने, मेरा बहुत अजीब लगा बताते हुए, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं। क्यूट आपको क्यूटी बुला रहे हैं लोग, क्यूटू क्यूटी आ रहे हैं, ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं। स्कूल चली गई है, मजाक कर रहा, थैंक्स गाइस, लव चलो यू। हाँ अपना नेक्स्ट वन। इसमें है, व्हाट्स इन द स्टोर फॉर द ऑडियंस फॉर न्यू म्यूजिक, अच्छा मतलब उसमें हमें क्या क्या आने वाला है म्यूजिक से रिलेटेड। गाइज एक गाना रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड वो गाना मेरे को बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा भी है, तो उसकी वीडियो रह गई है, वो मैं थोड़े टाइम में अभी एक और चीज में लगा हुआ, तो मैं वीडियो थोड़ी डिले पे कर डाली हुई है अभी अपने स्केड्यूल में, बट जल्दी उसकी वीडियो आने वाली, तो गाना तब आउट हो जाएगा। एंड उसके अलावा मैंने एक थोड़ा फास्ट सा मतलब हिप हॉप टाइप्स कुछ सोचा है करने का, तो वैसा है, बट फिर अगर मैं अब तीन गाने जो मेरे लाइन में है वो आने वाले हैं वैसा जल्दी जल्दी, एक 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 दो दो महीने के गैप में, बट फिर मैं उसके बाद एक सोचा था, इंस्पायर हुआ मैं तंजील से कि मुझे भी एक ईपी या एल्बम कुछ तो 5 गाने की जो रिलेटेड रिलेटेड हो एक दूसरे से करनी चाहिए, बट मेरे को टॉपिक उसका कुछ अलग रखना है, मतलब मेरे को नहीं रखना हार्ट ब्रेक या वो प्यार है, मेरे को ऐसा रखना है कि मैं चाहता हूँ कि उसमें ऐसा कुछ लिखूँ जो मैं अपने लाइफ के चैप्टर समझाना चाहता हूँ उस गाने में वैसा, वाओ तो वैसा है, तो अगर मेरे पास 4 गाने भी रेडी हो जाए तो मैं एक ईपी की तरह निकाल सकता हूँ कि मैं जब बच्चा था तो मेरे दिमाग में क्या चलता था, फिर मेरे पूरे लाइफ एक वैसा जिसको लिखने में बहुत मेहनत है, और जो मेरे पहले गाने आपने सुने ही हैं ऑलरेडी, तो उसमें हाँ मेरे साथ मेरे मेरे मैंने पूरे पूरे खुद नहीं लिखे हैं वो, मतलब ऐसा, तो मैं कभी मेरे गानों में है ना लिरिक्स में अपना नाम दिखता भी नहीं हूँ उसमें वैसा, कि मेरे पास एक आइडिया आता है, एक थोड़ा सा कुछ आता है तो मैं भेज देता हूँ आगे वैसा, तो मेरा जो बस तू दिखती है वो भी एक है, ऋषभ है मेरी टीम में, मतलब कंपोजर है वो बहुत अच्छा है ऐसा, तो वो उसने करा था, एंड बाकी जो मेरा सेकंड गाना है और जो मेरे आने वाले गाने हैं उसमें भी ऐसा है कि आधा आधा थोड़ा थोड़ा मिल जुल के कर दिया वैसा, तो वो सीन है वैसा, तो मेरे को एक फुल उससे के एक पूरा मेरे को खुद करना है वैसा, तो मेरा वो मन है, तो वो मैं कर, वो मेरी लाइफ के बारे में मेरे से अच्छा कोई कर नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं वो किसी से खुद ही करूंगा वो सारा, तो मेरा वो थोड़ा मन था। काफी सारे प्लान्स आने वाले हैं, मतलब यस म्यूजिक में तो है ऐसे, म्यूजिक तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ अभी, पर स्लो एंड स्टेडी ली करूंगा वैसा। वेरी नाइस। तो मतलब आपके जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत सारा इन स्टोर है, अभी यस देखो यस यस, बाकी सबने तो देख देखो। लिया है, पॉडकास्ट का भी है, तो मैं बहुत सारी चीजें आ रही हैं धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा वैसा। ओके अब मैं पॉडकास्ट अगला का तो सब क्वेश्चन, वेट कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को बहुत कमेंट्स दिख रहे हैं, ऑडेसिटी कब आ रहा है। अगले महीने आ जाएगा बहुत जल्दी, इसी मतलब अप्रैल में ही आ रहा है, टेंशन मतलब। तो अभी महीना खत्म होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है हाँ गाइस, दो तो तो फर्स्ट फर्स्ट वीक में मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट वीक में लॉन्च कर दूँ, तो देखते हैं वेरी क्या सीन नाइस वेरी नाइस। ओके चलो नेक्स्ट वाला। है। यस वेयर डिड यू वेयर डिड द इंस्पिरेशन फॉर बस तू दिखती है कम फ्रॉम? ओके ये भी बैक मैं, स्टोरी बैक स्टोरी है कि उस टाइम पे मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी अपने मन में बना रहा था लिखने की, 3 लाइनें 4 लाइनें 5 लाइनें, तब मेरे को ऐसा था कि मैं कभी ट्राई भी नहीं कर रहा था वैसा, जब मैं स्कूल में भी गाता था तो ऑलरेडी गाने जो होते थे वही गाते थे ना स्कूल में भी, बैंड परफॉर्मेंस जब होती थी वो सब, फिर मैंने गाना छोड़ दिया था एक स्टूपिड रीजन की वजह से, बहुत बहुत पहले स्कूल में, जो जो लोगों को आता लगेगा कि दिल टूट गया था इसलिए छोड़ दिया ये वो बकवास, वैसा कुछ सीन नहीं है, दिल टूटा भी था बट उस सेंस में नहीं हुआ था, मेरे को अभी थोड़ा टाइम पहले ये बात रियलाइज हुई कि भाई एडी मैं अपने आप से बात कर रहा था, सोच रहा था क्या सीन है, मैंने कहा यार तूने गाना वाना छोड़ा क्यों, मतलब क्या सीन, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि यार बढ़िया तो सब चल रहा था, फिर मैं दिमाग में वापस गया सोचा सोचा नहीं समझ आया, फिर एक दिन अगले दिन ऐसे बैठे बैठे रियलाइज हो गया कि वो फॉगिस वजह से छोड़ा था, तो ऐसा हुआ था कि
मैं बीमार था, हफ्ते के लिए स्कूल नहीं गया था, तो मेरी बैंड परफॉर्मेंस चल रही थी, तो जो बाकी के दो सिंगर्स थे वो लोग कर रहे थे तब तक वैसा। तो मैं उस दिन पहुंचा, तो मेरे को याद है कोई ब्रूनो मार्स का हम गाना कर रहे थे, जो मैं नहीं बोला था करने के लिए, और मैं ही सारी प्रैक्टिस करके फिर हफ्ते के लिए बीमार था तो चला गया था। तो एक न्यू प्रिंसिपल हमारे स्कूल में आए थे वैसा, तो ऐसा था ना न्यू प्रिंसिपल फुल एटीट्यूड होता है कि अरे ये हाँ मेरा मेरा स्कूल है वैसा, तो वो हमारी प्रैक्टिस देखने आई, तो थोड़ा मेरे से 19-20 हो गई लिरिक्स में, क्योंकि वो हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बस जस्ट आया ही था। ठीक है, तो आके बोलती यू आर आउट, मैंने बोला दिस इज माई बैंड वैसा, हाँ मैंने, मैं तो चौड़ में था भाई फुल, लेकिन चाशन देखो मैं चाशन, दिस वो इज माय तो बैंड। पर हवाबाजी की बात नहीं है, और मैंने सच में नॉर्मली बोला कि दिस इज माय हाँ बैंड, क्योंकि मैंने सबको एक तरह से बुलाया कि इकट्ठा कोई इधर मतलब से कोई इधर सा, और हमने कितने टाइम से हम सेम टीम के साथ कर रहे हैं, तो हाँ उसने मुझे बोला इट्स माय स्कूल, तो मैंने कहा यू वन, मैं चला गया वहां से। फिर ओह नो मैंने कभी नहीं गया उसके बाद स्कूल में, कभी भी नहीं गया। ये तो मेरे दोस्तों को भी नहीं पता बात, मैं अभी पता लग रहा है, कोई मेरा दोस्त देख भी रहा होगा स्कूल का देख रहा होगा, अभी पता लग रहा है उसे बात, क्योंकि ये बात खुद में कभी पता लगी कि मैंने गाना क्यों छोड़ा था वाओ, वैसा। ये काफी बड़ा सीक्रेट हो गया है, वो तो उस हाँ, स्क्वायर वाली चीज से बड़ा सीक्रेट। पर अभी उस बारे में बात हुई तो मैंने बता दिया कि वैसा वैसा इंस्पिरेशन वाली अगर वो होता, तो फिर मैंने उसके बाद जब जब मैंने डैम्फा के लिए, जब मैं रील्स पे गा रहा था ऐसे एक दो दिन, फिर मैं डैम्फा में गाया ऐसे ही, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बढ़िया तो है, क्या टेंशन है। हाँ चालू करना चाहिए फिर से। फिर मैंने कहा कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं, फिर मैं ऐसे ही कुछ उस टाइम मेरी लाइफ में बहुत बढ़िया चीजें चल रही थोड़ी थोड़ी, मैंने फिर ये गाना मेरे को वैसे पसंद भी आ गया, फिर मेरे को ऋषभ ने हेल्प भी करी पूरी, ऋषभ ने लिखा एक तरह से वैसा, तो फिर काफी सॉर्टेड था। ऋषभ, ये ऋषभ नहीं गाया, मेरा कंपोजर है उसका दूसरा नाम ऋषभ ऋषभ। है, एक का नाम निरंजन है, एक का नाम ऋषभ है वैसा, तो वो मेरी म्यूजिक वाले टीम है वैसा, तो उसमें से भी एक ऋषभ है, तो उसने करा है पूरा वैसा। तो उसकी वेरी इंस्पिरेशन नाइस। वही थी कि मैं, मेरा मूड खुशी खुशी का था, गाना भी वैसा मुझे मिल गया एक, तो मैंने कहा चलो यही है फिर तो वैसा। बट वेरी नाइस सॉन्ग। आई थिंक आपका फर्स्ट सॉन्ग तो एक्सट्रीमली मतलब द इवन द वे इट्स शॉर्ट इट वाज सो ब्यूटीफुल। वो फिर मुझे अपने थोड़ा प्रोडक्शन है उसकी भी शो ऑफ करना था ना थोड़ा, कि हाँ ये भी है मेरे पास एक वो बहुत वैसा अच्छे से दिख रहा है उस वीडियो में। वेरी वैसा नाइस, वैसा। इट्स अब वेरी वेरी नाइस। मैं अगला बोलूं, हाँ खोलो खोलो। अरे प्रोडक्शन हाउस का नाम लिया, अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, वो ऑल्टर टाइम विजन दिख गया। व्हाई डिड यू स्टार्ट ऑल्टर टाइम विजन एंड व्हाट आर सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? तो ठीक है गाइस, आज ये भी बता देता हूँ, ऐसा सीन है कि जब मैं मुंबई आया भी था, और जब मैंने कॉलेज में जर्नलिज्म एंड मास कॉम पढ़ा, तो मेरा मेरे आसपास के सारे दोस्त प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्टेड थे और बहुत जाते थे सेट्स पे, एड्स के सेट्स पे ऐसा ऐसा, तो जब ये जाते थे मुझे आके बताते थे ये हुआ वो हुआ, मैंने कहा मेरे को भी जाना है एक दिन। जो मैं मेरी फर्स्ट जो पैसे वाली जॉब थी वो थी सेकेंड ईयर में, जब मुझे पर डे के 7,000 रुपये मिले थे, और मैं प्रोडक्शन मैनेजर गया था एक सेट पे, एक एड का सेट था वैसा, तो वो मैंने सेकेंड ईयर में करा, तो मेरे को जाके ना एनवायरमेंट बहुत बढ़िया लगा सेट का, कि भाई सेट है कितना बढ़िया सीन है, यहाँ वैनिटीज खड़ी हुई है यहाँ पे सब। फिर मैं धीरे धीरे पूछने लगा ये क्या होता है वो क्या होता है, ऐसे करते करते मेरा एक दोस्त है राहुल, मेरा एक दोस्त है उत्कर्ष उत्तू, वो सब ये बहुत करते थे, प्रणव है एक मेरा दोस्त वो करता था बहुत दिल्ली में जब हम थे कॉलेज में, तो फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने कहा नहीं यार मेरे को मुंबई जाना है, देखते हैं क्या सीन है। फिर मैं मुंबई आया जब, तो मैं भी यहाँ मुंबई में भी दो तीन गाने वाने हैं जिनके सेट पे मैं गया हूँ, दो तीन एड्स जिनके सेट पे गया हूँ, एक छोटी सी एड में मैं आया भी था तीन दो एक सेकंड के लिए शायद, कुछ रिलायंस की किसी चीज की थी मेरे को पता नहीं याद नहीं, प्रोजेक्ट ईव रिलायंस का कुछ कपड़ों का वो आया था, तो उसकी एक एड थी वहां चलो से भी जो मैंने जो करा एडी का ये एड ढूंढ के निकाले था। उसको तो शाउट आउट। तब मेरे को था कि हाँ ठीक है ऐसा, तो फिर मैं जाता था यहाँ पे भी ऐसा था 15,000 पर डे, 20,000 पर डे, प्रोडक्शन मैनेजर यूपीएम हो गया कुछ ऐसा छोटा मोटा हो गया, जो वैसा मैं ये नहीं देखता था कि क्या वो है, मैं बस मेरे को एनवायरनमेंट एंजॉय करने जाना होता था, पैसों की कोई वो नहीं है, कोई 5 दिन तो भी क्या क्या फर्क पड़ता है, हाँ कोई ऐसा वो कोई सीन नहीं है, तो वैसा वैसा गया था बस ऐसे ही। हाँ यार मेरा सब अटका हुआ है यार, ना एक भी कमेंट भी कर नहीं रहा हूँ, हेलो ना एक वो भी अटका हुआ है इसी पे जब से शुरू हुआ है। सिग्नल 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 हैंग हो रहा है आपका। मैं दोबारा दोबारा हो गया एक सेकंड में, नहीं, फिर मैं लाइव सेव नहीं कर पाऊंगी, काटना मत। अच्छा ऐसा सीन है क्या? एक्चुअली आप काट सकते हो, मैं फिर हाँ भी वही सेव कर तो, दूंगी आप एज लॉन्ग एज मैं आप तो काट के वापस आ जाओ, नो प्रॉब्लम। रीजॉइन करता हूँ ना। हाँ हाँ ओके ओके गाइस, आप सब कह रहे थे कि थोड़ा वीडियो अनक्लियर है,
तो एडी इज कमिंग बैक इन जस्ट अ सेकेंड. मैं इनवाइट भी भेज दिया है. यस तो अब वही था सीन थोड़ा। मुझे पीछे ठीक है देख. यस तेरा गांव किधर है? कुछ सुनाई हेलो लगा गाइस, एक। हेलो बोल दो टीके को. फिर सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा थोड़ा. सिद्धू का प्रॉब्लम हो रहा है, अब सही हो गया? आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपके भी अभी गांव में आपको ज्वाइन कमेंट्स दिख करने रहे के हैं? लिए। हाँ मेरे को दिख रहा है, अब सही है, अब सही है सब। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यस ये कौन है? ये कौन लिखा है? बस तू दिखती है बस बस स्टॉप पे, बीओएस लिखा हुआ इस पे, बस तू दिखती बीओएस। दोनों डैम फैम के सिंगर्स एक साथ फ्रेम में. ठीक है व्हाट थोड़ी शक्ल अगर नीचे व्हाट कर लेता. नहीं नहीं करूंगा मैं, उसके लिए पैसे लेता हूँ मैं। नॉट जस्ट व्हाट ये क्या रिकॉर्डिंग, है? व्हाट दिस? अबे ये कैसे नॉट समझूं जस्ट यार, कोई बीटी नहीं है, मीन टू एडी। बता क्वेश्चन भाई। तो बताओ. अरे हाँ बोलने दिया है नहीं आपने, इन्हें ऐसे खोला ठीक है। व्हाट डस कोई बेटी नहीं है मीन टू शादी, किसी यस आई थिंक गाइस, दिल्ली वालों को तो ये फिर भी समझ में क्या आ जाना चाहिए. तो दिल्ली वालों को, क्या सबको समझ आना चाहिए? अब तो मैं सालों से बोल रहा हूँ यार, मैं टेक्निकली बेटी का मतलब है बैड ट्रिप, चलो एक क्विज वो कर बेटी को पूछते हैं इनको, सोचने मालूम है कि नहीं. का। आप मेरे से बात नहीं करते, मैं भाई मुझे बात ही नहीं कर रही आप। हाँ तो क्या था? व्हाट डज कोई बीटी नहीं है मीन टू एडी, ठीक है। तो ऐसा सीन है कि अबे पता क्या हो रहा था, लेफ्ट वाले माइक्रोफोन है ना, तेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ बहुत ही सॉफ्ट आ रही थी टीके की आवाज. हाँ वैसा। तो गाइस कोई बीटी नहीं है, मैं जब ऐसा इन जनरल बोलता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई बीटी नहीं है, वैसा कि कोई मुझे बोलता है कि बीटी भाई तू का ठीक मतलब, है, और बीटी का मतलब ये सबको पता ही है यार, सॉरी कुछ बीटी का प्रॉब मतलब बता दो जिनको नहीं मालूम. कुछ बीटी मतलब प्रॉब्लम, जैसे कुछ भी गलत हो गया या फिर क्या बीटी हो गया, मतलब क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत ये मतलब तो यूनिवर्सल बन गया वैसे, असली मतलब तो अलग ही होता है वैसा, बट एक यूनिवर्सल मतलब अच्छा ये बन गया कि अरे बीटी ना दे ब्रो, मतलब प्लान कैंसिल क्यों कर रहा है, बट तेरी वजह से प्रॉब्लम क्यों दे रहा है वैसा, मतलब एक तरह से। तो वो दिमाग काफी खराब यूज मत कर किया है ये यार, वर्ड. इसका मतलब है दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब क्यों कर रहा है वैसा, कोई कुछ नहीं है तो ठीक है वैसा। तो वो तो ये मतलब आईडी तो का बहुत वो नॉर्मल है जो यार। बोलते हैं ना ऑल इज वेल, वो आईडी के लिए कोई बीजी नहीं है. हाँ क्या, हाँ मैं सही हूँ, तू अपना देख, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वैसा। वो तो है, सही. वो ओके वैसा ही है। खत्म क्वेश्चंस और है. लास्ट लास्ट बचा है एक। ओके व्हाट आर एडीज फेवरेट जेको लाइंस? अरे फंचो पार्टी मांग पंचो रहे हैं. को फंचो इज हियर, फंचो इज आस्किंग फॉर पार्टी. फंचो जल्दी मिल, फंचो वेरी सून भाई, वेरी सून वेरी सून। लास्ट क्वेश्चन ये, व्हाट आर एडीज लाइक फेवरेट जेको लाइंस? तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपना जो मेरा फेवरेट गाना है लव योर्स, उसके जो आखिरी स्टैंजा है वही मेरा फेवरेट है पूरा, तो प्लीज जाके सुनो ऐसा। थोड़ा कुछ नहीं नहीं कोई सुनने सीन, को मैं गाना प्ले कर सकता हूँ, मैं गाना गाऊंगा, बट उसमें ये बोलते हैं कि मतलब ऐसा है कि उसका समअप ऐसा है कि जब तक तुम जो तुम्हारे पास है उससे खुश नहीं हो, तो तुम कुछ भी दुनिया में मांगो वांगो उससे भी नहीं हो पाओगे वैसा, तो यू वोंट बी हैप्पी अंटिल यू लव योर्स, वैसा वो ये बोलता है अपनी लाइफ को, जैसा कि तुम्हें कुछ भी मिल जाए सब हाँ. चीजें तुम मांग रहे हो तो वैसा। तो वो उसका एक बार लव योर्स सुनो यार लिरिक्स के साथ, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि मेरे को क्यों इतना अच्छा लगता है वो गाना। चलो ये एडी का रेकमेंडेड सॉन्ग है गाइस, जल्दी से जाके सुन लो नहीं सुना है तो. अब मैं क्या करने वाली यस हूँ, अब मैं एक फैन को लेने वाली हूँ जल्दी से. वो आपसे आके एक क्वेश्चन पूछेगा. गाइस जल्दी से रिक्वेस्ट भेज दो अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, और मैं अच्छा अब लाइव रैंडमली पे, पिक लाइव करूंगी. पे, लाइव पे ऐड कर रहे हो? हाँ हाँ लाइव में. एंड गाइस प्लीज मेक द क्वेश्चन थोड़ा मतलब आस्कवल, ऐसे कुछ उल्टा शुल्टा मत पूछना प्लीज. कुछ कुछ समझना है तो ही। हाँ हाँ ओके मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारना. किसी का तो डिक्लाइन ही कर दिया है.
गाइस ओनली सेंड रिक्वेस्ट इफ यू वांट इट टू बी एक्सेप्टेड प्लीज। यार फिल्टर क्यों नहीं लग रहा यार, मेरे को अपनी आंखें मूव करनी है ग्रे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं लग पा रहा है, मेरे फोन को कुछ हो गया शायद। अरे गाइस डिक्लाइन मत करो प्लीज, आई एम अरे यार व्हाई डू पीपल डिक्लाइन, हु इज दिस आई वांट टू बी। तो गाइस नहीं एक कोई कोई आ नहीं रहा तो फिर आप ऐसे ही उसमें से बोल दो ना, इसमें से लिखा हुआ कोई पूछ लो। मैं देख ही रही हूँ, मम्मी यार वो ही तो आया है और कैमरा कवर कर लिया है। अरे वही मैं कह रहा हूँ, मम्मी को ऐड कर लूँ? नहीं 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 सब ऐड आंटी, ऐड आंटी बोल रहे हैं। मम्मी यार अभी मैं आपको कॉल करता हूँ ना, वीडियो कॉल। ओके लास्ट ट्राई, अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन उठाने वाली हूँ। ओके डिक्लाइंड। ओके गाइस सॉरी, मैं 4-5 लोगों को भेज चुकी हूँ और आप लोग ने सब ने डिक्लाइन कर दिया है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन से पूछने वाली हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू डू व्हेन यू आर बोर्ड? अनुलिका गंगवाल ने पूछा है ये क्वेश्चन। माय फेवरेट थिंग इज प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड ये वन ऑफ द फेवरेट्स है वैसा। एंड या तो उसके अलावा ऐसा होता है कि मैं कुछ आजकल पढ़ने लग गया हूँ थोड़ी बुक्स। यार आड़ी दे आंटी बार बार बोल रही अरे है। मैं मम्मी को मैं अभी कॉल करता हूँ, वो तो ऐसी मजे ले रही है, मुझे पता है। लोग क्रिएटर 21 को गाली निकालेंगे तो इससे अभी नहीं ऐड कर निकालेंगे यार, नहीं निकालेंगे, कोई बात नहीं। मैं मम्मी के साथ लाइव जाता हूँ अभी शाम को, तो खुश हो जाएगी फिर। ओके तो फर्स्ट चीज है आपको योर फेवरेट थिंग टू डू इज टू प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड सेकंड चीज थोड़ा रीडिंग आजकल मेरा थोड़ा हो गया है, रीडिंग और लिसनिंग टू लाइक नॉलेजेबल पीपल। मेरा यूट्यूब भी आजकल ऐसा थोड़ा चेंज हो गया है धीरे धीरे, कि मुझे देखना है कि क्या होता है, चल रहा है, और बाकी टॉपिक्स वगैरह में लोगों के क्या ओपिनियंस है और क्या है वैसा वैसा, क्यों मुझे अपने ऑडासिटी के लिए भी बहुत काम आता है। तो आजकल रिसर्च थोड़ा ज्यादा ऑन हो गया, तो मैं फ्री टाइम ज्यादा हो रहा नहीं रहा हूँ। जब कुछ होता है तो मैं या तो कोई यूट्यूब देखता रहता हूँ, या फिर कुछ मेरी एक बुक है मैं वो पढ़ रहा हूँ आजकल। एक तो विल स्मिथ वाली जो ऑटोबायोग्राफी है वो थोड़ी पढ़ रहा था, वो अभी मेरी आधी रह गई है, बाकी एक दो और अच्छी अच्छी बुक्स है मैं पढ़ रहा हूँ। तो मतलब रीडिंग या फिर यूट्यूब पे थोड़ा स्क्रॉल करता रहता हूँ, कुछ ऐसे नॉलेजेबल देखता रहता हूँ। आजकल मैं थोड़ा उस जोन में हूँ, पता नहीं क्यों। नहीं भाई अच्छा जोन है ये, इट्स और टाइम जो टू भी आपने ग्रो बोला यार, मतलब इट्स टाइम टू ग्रो। मेरे को लगता है कि हाँ भाई, अब जो चीजों के बारे में नहीं पता अब जानना चाहिए उन चीजों के बारे में सब, तो मैं थोड़ा एंड वो बहुत फेज चल रहा ग्रो, है अभी। एंड आप बहुत ग्रो करो, दैट इज आवर विश टू यू थैंक यू फ्रॉम सो ग्रेटर मच। 21 साइड, दैट यू कीप ग्रोइंग एंड यू कीप कमिंग अप विद ग्रेट म्यूजिक एंड यू कीप कमिंग अप विद अमेजिंग आइडियाज लाइक ऑडेसिटी। यस सो थैंक यू सो मच आडी ज्वाइन करने के लिए। Thank you so much for coming on Fast and थैंक यू फॉर Curious. हैविंग मी, एंड यस थैंक यू, आपको भी थैंक बहुत यू। मेरे अच्छे को से आपने सारे आंसर्स दिए एकदम क्लैरिटी से, वेरी नाइस, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच एडी, थैंक यू गाइस, लव यू गाइस, ओके बाय। बाय बाय। Okay guys, so that was Adi aka Aditya Kumar. He was here answering the most Google questions about him on another episode of Fast and Curious. If you haven't followed Creator 21, quickly go and follow Creator 21 because we're going to be coming with lots more fun, lots more content and lots more lives with your favorite creators. So if you haven't followed us, go and quickly, quickly follow Creator 21. Till the next live, see you, stay safe, stay healthy. See you guys. Bye-bye.